हेलो स्टूडेंट्स, राजन तिवारी इज बिफोर ऑल ऑफ यू एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू ग्रामेटिकल टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 12 स्टूडेंट्स, 10th फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 10th ऑल्सो, 9th ऑल्सो एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो, है ना। तो आज का जो टॉपिक है, मैं टेंस पढ़ा चुका हूँ, प्रीपोजिशन चल रहा है, कॉम्पिटिटिव के वीडियोज डाले जा रहे हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स की डिमांड पे, छात्र लोग अब इतने डिमांडेड, मीन्स कोई कह रहा है ये सर पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, थोड़ा थोड़ा आप लोग वेट एंड वॉच, थोड़ा इंतज़ार का आप लोग मज़ा लीजिए, है ना, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, हम लोगों को भी मौका दीजिए और सारी चीज़ें, ग्रामर की सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दी जाएंगी और बेहतर ढंग से पढ़ा दी जाएंगी, उस ढंग से पढ़ा दी जाएंगी कि आप आगे, मीन्स जो भी आपके एग्जाम्स हैं, जिस तरह के भी एग्जाम्स हैं, उसमें आप सफलता का झंडा खड़ा कर सकें। तो आज मैं आप लोगों के साथ वॉच स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि टेंस के वीडियोज ऑलरेडी एक ही घंटे का वो वन शॉट वीडियो गया है जिसमें पूरा टेंस वो किया गया है और प्रीपोजिशंस चल ही रहे हैं, तो आज हम लोग वॉच शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले वॉइस का परिचय क्या है या इसका डिफिनीशन वगैरह, वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब, फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच टेल्स अस वेदर द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस डज समथिंग और समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। वॉइस बराबर क्या है, वॉइस का मतलब आप समझें क्या, कि वो क्या है, क्रिया का रूप है। कौन सा रूप है, वह रूप है जो हमें बताता है कि किसी वाक्य का सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस कुछ करता है या सब्जेक्ट पर ही कुछ किया जाता है, सब्जेक्ट को ही कुछ किया जाता है। तो दोनों ही परिस्थितियों में यदि सब्जेक्ट कुछ करता है उसे भी हम वॉइस बोलते हैं और सब्जेक्ट पर कुछ किया जाता है उसे भी हम वॉइस बोलते हैं। तो समझने के लिए जरा एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे मैंने चार एग्जांपल्स लिख दिए हैं, अब मैं इस पे आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ। ही इज चीटिंग मी, तो टेंस जो लोग समझ रहे हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं, एक बात तो ये भी तय है कि जब तक आपका टेंसेज और मॉडल्स पे कमांड नहीं होगा, मॉडल्स भी आप लोगों को पढ़ाने हैं, तो आप वॉइस पे अच्छे से कमांड नहीं कर पा सकते। तो सबसे पहले टेंसेज मूल हैं, उस पर ध्यान दीजिए, फिर इधर आइए। तो ही इज चीटिंग मी,
तो यहां पे क्रिया का रूप चल रहा है इज प्लस वी फोर। तो ये जो इज प्लस वी फोर रूप है, जो अब अगर हिंदी इंग्लिश पैटर्न आप समझ रहे हैं तो वह मुझे धोखा दे रहा है। लेकिन अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं, मान लीजिए हम लोग हिंदी भाषी या हम लोग वो मतलब उस देश में जहाँ पे लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, तो कैसे समझते हैं इसको कि काम कौन कर रहा है। तो क्रिया का जो ये रूप है इज प्लस वी फोर, वो कह रहा है कि काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। तो काम जब सब्जेक्ट कर रहा है, करता है, तो भी क्या है वो वॉयस है। यही क्रिया का रूप को क्या नाम दिया गया, वॉयस। दे हेट अदर्स, यहाँ पे वी वन चल रहा है। तो हिंदी की बात छोड़ दीजिए, एक बार अंग्रेजी के लिए सीधे सीधे अंग्रेजी से अंग्रेजी की अगर समझदारी विकसित करने की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्रिया का जो सब्जेक्ट के बाद वी वन रूप चल रहा है, वो रूप ही कह रहा है कि काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। और वैसे अगर हिंदी हम लोग समझते हैं तो वह दूसरों से नफरत करता है, तो फिर से वही बात आ गई, सब्जेक्ट कुछ करता है या कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है। अब तीसरे एग्जाम्पल पे अगर चलते हैं तो यहाँ पे क्रिया का रूप क्या चल रहा हैज बीन पिक्ड, हैज बीन प्लस वी थ्री। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, काम कौन कर रहा है। तो वाक्य को जैसे ये जो क्रिया का रूप है, फिर से अगर केवल अंग्रेजी के लिए, हिंदी की बात बाद में करते हैं, तो हैज़ बीन प्लस वी थ्री ये कह रहा है कि काम सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट पर कोई काम हो रहा है। अगर हिंदी की बात करते हैं तो इसकी हिंदी हुई, मेरी पॉकेट मार ली गई है, पिक पॉकेट, पिक पॉकेट को क्या करते हैं, पिक करते हैं, मतलब पॉकेट मार लेना। वैसे अलग से एक शब्द भी आप जान सकते हैं, पिक पॉकेट बोलते हैं किसको, जो पॉकेट मारता है, पॉकेट मार को बोलते हैं पिक पॉकेट। तो माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड, मेरी पॉकेट मार ली गई है, हैज बीन प्लस वी थ्री ये कह रहा है, मैंने अगर ऐसा बोला कि मेरी पॉकेट मार ली गई है तो मारने वाला कोई और है, तो काम कौन कर रहा है, काम करने वाला कोई और है। काम किस पे हुआ, सब्जेक्ट पे। क्यों, कैसे मान लें, हैज जो क्रिया है वो पॉकेट, माय पॉकेट सब्जेक्ट के हिसाब से चल रही है। तो आप ये जानेंगे, क्या जानेंगे, कि यहाँ सब्जेक्ट पर काम हो चुका है, पॉकेट पर काम हो चुका है, मेरी पॉकेट पर काम हो चुका है और मारने वाला पॉकेट कोई और है। उसी तरह से वी वर लूटेड, हम लोगों को लूटा गया। लूटा किसने, वो अननोन है, उसके बारे में पता नहीं है। तो वी वर लूटेड में वर प्लस वी थ्री जो चल रहा है, ये बता रहा है, अगर अंग्रेजी की बात करें तो काम किस पर हो रहा है, सब्जेक्ट पर हो रहा है, हम लोगों पे काम हो रहा है, लूटने का हम लोगों का काम हो चुका है, हम लोगों पे लूटने वाला कोई और है। तो क्रिया का जो रूप, चाहे वो मान लो यहाँ पे अब इज प्लस वी फोर कह रहा है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है, हेट वी वन कह रहा है कि सब्जेक्ट काम कर रहा हैज बीन प्लस पिक्ड कह रहा है, तो ये जो भी क्रियाओं के रूप हैं, वर प्लस लूटेड कर रहा है कि सब्जेक्ट पर काम हो चुका है, तो चाहे सब्जेक्ट पर काम हो और चाहे सब्जेक्ट खुद से कुछ करे, दोनों ही परिस्थितियों में जो क्रियाओं के रूप होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वॉयस कहा जाता है। दूसरी बात मैं समझाने का प्रयास करूंगा, इसमें पैसिव बना क्यों है, पैसिव वॉयस बना क्यों है, पैसिव का मूल हमें क्यों इस्तेमाल करना होता है। तो जनरली जब हमें काम करने से ज़्यादा जो कुछ भी हो चुका है वो इम्पोर्टेंट लगे तो हम क्या करते हैं, पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। और या फिर जब हमें सब्जेक्ट को प्राथमिकता नहीं देनी है, आप सिंपली ऐसा समझ, मीन्स जिसने काम किया है उसको प्राथमिकता नहीं देनी है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब
हम करते क्या है, कभी हो भी तो जैसे जैसे ही पॉकेट मारी जाएगी तो अगर आपने पॉकेट मारने और देखा कि उस आपने देख लिया कि उसने पॉकेट मारी है तो आप बोलेंगे उसने मेरी पॉकेट मारी है। लेकिन जब मारने वाले को पॉकेट मारने वाले को आपने नहीं देखा तो आप क्या बोलेंगे, अरे यार मेरी पॉकेट तो मार ली गई, हम लोग लूट गए, हम लोगों को लूट लिया गया है ना, उसे बदनाम कर दिया गया। तो जो फंक्शनिंग इम्पोर्टेंट होती है, सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं, काम करने वाला सॉरी डूअर नहीं इम्पोर्टेंट होता है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे वॉइस दो प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, पहला है एक्टिव, दूसरा है पैसिव। तो वैसे तो एक्टिव और पैसिव का अंतर यहीं वॉइस के डिफिनीशन में ही वो मतलब अवेलेबल है। जैसे एक्टिव का मतलब क्या है, सक्रिय। तो जब हमारा सब्जेक्ट सक्रिय हो, he is cheating me, वो मुझे धोखा दे रहा है, आई एम टीचिंग यू, सब्जेक्ट सक्रिय है। जब सब्जेक्ट क्रियाशील हो दैट इज एक्टिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट क्रियाशील ना हो उसके ऊपर कोई काम किया जाता हो दैट इज पैसिव वॉइस। जब सब्जेक्ट निष्क्रिय हो, एक्टिव ना हो दैट इज पैसिव वॉइस। मीन्स वी वर लूटेड, तो लूट हम लोग तो लूट गए, लूटने का काम किसी और ने किया। काइट्स वर फ्लाउन, पतंगे उड़ाई गई। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, ये इस पे काम हो रहा है। काइट्स वर फ्लाउन बाई अस, हम लोगों द्वारा पतंगे उड़ाई गई। तो ये जो शब्द है ये काम कर रहा है यहाँ पे, इसको पैसिव के लिए डूअर बोलते हैं, काम करने वाला या एजेंट भी बोला जाता है। लेकिन अगर फिर से मैं बोलता हूँ तो ये एग्जांपल किसका हुआ, पैसिव का। ये एग्जांपल क्या है, पैसिव है। ये एग्जांपल क्या है, पैसिव है। और ये दोनों एग्जांपल्स क्या हैं, एक्टिव हैं। तो अभी तक आपने टेंस में जो भी एग्जांपल्स वगैरह देखे हैं, तो टेंस में जो भी होता है वहाँ सब्जेक्ट हमेशा क्रियाशील रहता है, चाहे कोई भी टेंस हो। तो वहाँ पे मीन्स मैं पढ़ता हूँ, वह जा रहा है, वे लोग सो रहे हैं, वह खा चुका है, मतलब दे हैव टेकन फूड, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई वेटेड फॉर यू, वी डांस्ड, वी शैल बी डांसिंग, मतलब जो भी एग्जांपल्स किसी भी टेंस में, तो वो एक्टिव होता है क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट क्रियाशील होता है। और हर एक्टिव वाक्य का हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसिव कर सकते हैं। एक्टिव इस्तेमाल करने का ग्रामेटिकल मतलब ये है कि हमारा फोकस सब्जेक्ट पे है, काम करने वाले पे हमारा फोकस होता है, दैट इज एक्टिव वॉइस। और जब जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी कर दिया गया है किसी के द्वारा, उस पर हमारा फोकस होता है, दैट इज पैसिव वॉइस। तो ये एक्टिव और पैसिव का अंतर है। इसके बाद मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे वॉइस का परिचय, एक्टिव पैसिव उसके दो भाग होते हैं, ये मैं आपको बताया। लेकिन कुछ और चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें। एक बात ये है कि ग्रामेटिकल एक टर्म होता है ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि किसी वाक्य की बनावट में इस तरह से परिवर्तन करना कि उसके अर्थ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन न हो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि किसी वाक्य की बनावट में इस तरह से परिवर्तन करना कि उसके मीनिंग में ज़्यादा परिवर्तन न आए, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हम लोग वॉइस पढ़ते हैं या पढ़ना शुरू किया है, जो हम लोगों ने नरेशन का नाम सुन रखा है, आप लोगों को इसके लिए वीडियोज में अवेलेबल जल्द कराऊँगा। रिमूवल ऑफ टू है, इसके अलावा इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज है,
ये सब क्या है, बारी बारी से आप लोगों को पढ़ाया समझाया जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसके अलावा इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंसेज इंटू निगेटिव, अफर्मेटिव इंटू निगेटिव, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को असर्टिव कैसे बनाना, ये सब भी, या एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज को असर्टिव कैसे करना, ये सब भी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा होते हैं। और तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के ही प्रक्रिया में क्या पढ़ रहे हैं, वॉयस पढ़ रहे हैं फिलहाल, एक बात। दूसरी अब बात मैं बताने जा रहा हूँ कि मैंने बोला कि एक्टिव सेंटेंसेज को पैसिव किया जाता है, आप लोग जानते भी होंगे कि एक्टिव के वाक्यों को पैसिव किया जाता है, लेकिन क्या सभी एक्टिव सेंटेंसेज का पैसिव किया जा सकता है? क्या आई गो टू स्कूल अगर सेंटेंस है तो इसका पैसिव किया जा सकता है? बहुत सारे लोग आपसे पूछ देंगे कि आई पैसिव पढ़े हो तो हाँ, तो आई गो टू स्कूल का पैसिव बनाओ। तो हम लोग बनाने लगते हैं, बहुत सारे लोग छात्र लोग, टू स्कूल इज गॉन या स्कूल इज गॉन टू बाई मी वगैरह इस तरह से। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ पे फोकस करने के लिए इस बात का चर्चा कर रहा हूँ, वो बात क्या है, नोट इसको करेंगे आप लोग। आम तौर पर पैसिव केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही बनता है आमतौर पे। वैसे कुछ स्पेशल कंडीशंस आएंगे आगे जब विस्तार में चलेगा, तो जहाँ पे इन ट्रांजिटिव का ही पैसिव बनेगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दो वर्ब्स होते हैं, या ऐसा भी होता है कि एक ही क्रिया अपने प्रयोग के आधार पर कभी ट्रांजिटिव हो सकती है, कभी इंट्रांजिटिव। सकर्मक और अकर्मक क्रिया, वह क्रिया जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है दैट इज ट्रांजिटिव, और वह क्रिया जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है दैट इज इंट्रांजिटिव। तो एक जानने वाली बात यह है कि गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका पैसिव नहीं बन सकता। आई गो टू स्कूल शब्द का पैसिव नहीं बन सकता है। जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा उसी का पैसिव बनेगा, दूसरी क्रियाओं का पैसिव नहीं बन सकता है, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बन सकता है। अच्छा, मैंने ये कहा कि एक ही क्रिया अपने उपयोग के आधार पे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकती है। थोड़ा सा उसका एग्जांपल बता दूं आप लोगों को। आई फ्लाई ए काइट, मैं पतंग उड़ाता हूं, तो ये काइट यहां पे ऑब्जेक्ट है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पे इन द स्काई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो बस एक जगह है। मीन्स अभी फ्लाई यहाँ पे ट्रांजिटिव है और फ्लाई यहाँ पे इनट्रांजिटिव है। अब कैसे मान ले कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये केवल एक स्थान है जहाँ पे चिड़िया उड़ने का काम करती है। तो आमतौर पे ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं इंग्लिश में, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, एक सजीव और एक निर्जीव। तो जब हमें सजीव ऑब्जेक्ट का पता लगाना, सॉरी, जब हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, क्या लगा करके प्रश्न पूछते हैं क्रिया के साथ। मैं क्या उड़ाता हूँ, पतंग। तो जब क्या का जवाब मिल जाता है तो दैट इज ऑब्जेक्ट, क्या के जवाब में जो आंसर आ जाता है तो वो क्या है, शब्द ऑब्जेक्ट है। मैं क्या उड़ाता हूँ, मैं पतंग उड़ाता हूँ। लेकिन बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं, ऐसा अटपटा टाइप का है। अब ये जवाब क्या मिल रहा है, पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो जब कहाँ का जवाब मिल रहा है दैट इज नॉट वो ऑब्जेक्ट। उसी तरह से जब सजीव ऑब्जेक्ट जानना होता है तो हम किसे या किसको लगा के प्रश्न पूछते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, मैं किसे पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो
सजीव ऑब्जेक्ट को जानने के लिए किसे किसको लगा करके प्रश्न पूछना होता है क्रिया के साथ वाक्य में, और हमें क्या होता है सजीव ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है, है ना। सजीव ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और निर्जीव ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये वाली बात इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम किसी भी क्रिया का वो पैसिव नहीं कर सकते जब तक क्रिया ट्रांजिटिव नहीं रहेगी। आमतौर पे स्पेशल रूल्स कुछ हैं जहाँ इंट्रांजिटिव का बनेगा, वो मैं बताऊँगा, वो आगे जो वीडियो चलेंगे उसमें देखेंगे आप लोग। तो आमतौर पे ट्रांजिटिव का पैसिव बनेगा, इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बन पाएगा। ऐसा आपको सीखना होता है, आपको जानना होता है, ताकि आप आगे गलतियाँ करने से बचते रहें। तो इतना सीखने के बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों का पैसिव करना शुरू कर सकते हैं, जो हम लोग अगले वीडियोज में देखेंगे। आज ये वॉयस का इंट्रोडक्शन था, आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। और गो ऑन लर्निंग, गो ऑन सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, लाइक आवर चैनल, प्रमोट इट, एंड सो दैट इट कैन इनकरेज अस टू डू मोर एंड मोर फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।